थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स यस शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारा नया YouTube चैनल रमेश फितरगन के साथ। आज मैंने वीडियो बासी पाखल भात का ऊपर बनाया। बासी पाखल भात के साथ नारिकल का कूरा कितना अच्छी लगता है टेस्ट, आप लोग बना के खाने के बाद बता सकते। अभी तो मैं बता नहीं पाता, वीडियो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं हम खा के, और आप लोग भी ऐसी बना के खाइए। और वीडियो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए ताकि हमारा वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने अभी नारिकल छोड़ लेता हूँ, ये मैं कपड़ा रख दिया ताकि अभी मैं इसका नारिकल का ऊपर एक बड़ा सा नारिकल है एक, इसका ऊपर मैं इसका छिलका उतार लेता हूँ। देखिए ये ऐसे करके मैंने इसको उखाड़ लेता हूँ। दावले है ये दाल के, मैं इसका छिलका उतार लेता हूँ। देखिए इस तरह हम लोग नारिकल को छिलका उतरता है, हम लोग का भाषा में दावली बोलता है और उड़िया रे कटोरी बोलते हैं। आप लोग का हिंदी में इसका नाम क्या है हमारा कमेंट पे लिख सकते हैं ताकि हम समझ में आए। देखिए इसका अभी मैंने दावले से इसको छिलका उतार दिया। ये छिलका उतार दिया, इसको फिर थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए कितना बड़ा नारिकल है, पानी बज रहा है। इसको मैं अच्छे से साफ कर लेता हूँ। अभी मैं इसको तोड़ूंगा, इस हथियार से मैं तोड़ूंगा इसको। मैंने इसको अभी तोड़ लेता हूँ। देखिए इसको धार से धार मुके से मैं तोड़ लेता हूँ। ये पानी निकाल रहे, देखिए ये कितना पानी। ये देखिए अच्छी वाला नारियल, बड़ा बड़ा सा नारियल है। अभी मैं इस पानी को पी लेता हूँ, बहुत ही मीठा लगे, स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही स्वीट। मैंने अभी एक कला का पत्ता ले लिया, इसके ऊपर रखता हूँ। ये हिला कोरनी, नारिकल का जो कोरता है। देखिए इसको मैं लेता हूँ इस कोरनी से, मैं नारिकल को, देखिए नारिकल इसके मैं छील लेता हूँ। इसके साथ पाखल जो बासी पाखल होता है इसके साथ खाएगा तो बहुत ही टेस्टी होता है। हम लोग देखाऊंगा पाखल खा के देखाऊंगा इसके साथ। बस इतना मैं लेता हूँ और एक रुक गया, इतना मैं पाखल भात के साथ खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आज हम लोग खाऊंगे बासी पाखल भात के साथ।
ये नारिकल का कोरा, ये आम का सूखा हुआ खल्ली और ये मछली का भजा और एक अंडा का भजा और सूखा मिर्ची। इसके साथ आम खाऊंगा, पाखल के बासी पाखल भात। थोड़ा नमक ले लेता हूँ, इसको गुला के ये बासी पाखल भात, इसके साथ मैं नारिकल का कोरा मिक्स कर लेता हूँ ताकि खाने से टेस्ट अच्छी लगता है। ये नारिकल कोरा कैसे हम बनाया आप लोग को दिखाया, ये पाखल भात के साथ हम खाता है। ये जो है आम का कच्चा आम का जो बना हुआ खली, सूखा खली बहुत खट्टा होता है। बहुत ही अच्छा है, नारिकल के साथ ये कटे अच्छा लगता है। अंडे ये सूखा मिर्ची देखिए, अभी मैंने मछली डालता हूँ। ये है मछली, समुद्र का जो बुरी मछली है, बुरी मछली, ये बहुत ही टेस्टी होता है। कुछ आदमी इसको भाते ही मास से जानते हैं। देखिए नारिकल पड़ने से बहुत ही टेस्टफुल लगता है। आप लोग इस पाखल भात को कैसे बनाऊंगा हम बताते हैं। जब लोग रात को जो चावल होता है खाने के बाद हांडी में बच जाता है, उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसके ऊपर मैंने चावल के ऊपर तक पानी आना चाहिए, बाद में ढक के रख देना है। और सुबह वो पाखल भात, जो बासी पाखल भात तैयार हो गया, इसको आप जैसे भी बना के खाइए, जिस प्रकार जिस चीज़ देखे। हमारा फेवरेट है जो नारिकल का कोरा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस नारिकल हमारा घर में पेड़ में हुआ था, ये घर में बनाया था, ये घर में सूखा मिर्ची भी है और ये अंडा घर में हमारा मुर्गियाँ और बतख अंडे देते हैं। और इस बुरी मछली जो समुद्र का मछली, मैं जो नमक का मछली मैं व्यापार करता हूँ, सुबह मैं देखे गया था, इसको भाज के रख दिया था। और मैंने आके अभी तो देखा है नारिकल कैसे तोड़ के इसको सिला और अभी पाखल भात हम खाते हैं। इसके साथ थोड़ा इसे खट्टा लगता है आम का जो टकला, बहुत ही टेस्टी होता है। खट्टा मीठा सब लगता है। और मछली था ये तो देखा दिया, जो देखिए खाया, किंतु मेरा फेवरेट है ये नारिकल का, ये अच्छा लगा। आप लोग बना के खाइए,
खा के हमको कमेंट कीजिए और ऐसी खाते रहो, हम लोग अच्छे लगते हैं। इस पानी है, अभी पानी में पी लेता हूँ। और ज़्यादा मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, बस आज के लिए मैं वीडियो इतना रखता हूँ।